भाई लोग अगर इंस्टाग्राम के रील्स में, यूट्यूब की शॉर्ट्स में सब लोग ये बता रहे हैं खुद को फिट कैसे रखना है, खाना पीना क्या है, वर्कआउट कैसे करना है, पोस्चर कैसे सही रखना है, बॉडी कैसे बनानी है, एकदम मेंटेन वाली बना ली हमने, कर लिया अपने आप को फिट कर लिया, आपको ये बताया गया घर वालों को काम कैसे खत्म करने हैं ताकि हम अपने करियर को फोकस देख पाए, उसको प्रॉपर गोल को देख पाए कि हाँ हमारा करियर है क्या, है दिख रहा है क्या नहीं, वो कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे हम अपने करियर फोकस करना होता है ना तो घर वालों का धनिया पुदीना सब खत्म हो जाता है वही वक्त पे। और हर दिन की तरह जैसे मैं सुबह उठता मेरे को लगता है वाह क्या सुहाना दिन है आज, तभी वो सुहाने दिन में मेरी मम्मी का आएगा कॉल, हाँ बेटा क्या कर रहा है, मम्मी मैं जस्ट उठा हूँ, हाँ तो ऐसा कर तेरी शक्ल तो वैसी है ही है तो थोड़ा सा झाड़ू मार दे कमरे में, ठीक है अगली तरह बस वक्त मिले तो फ्लश में भी थोड़ा सा पोछा मार देना अंदर वो ब्रश के साथ। मैं ठीक है मम्मी अब कर देता है, आपने कह दिया तो। फिर वो सब काम खत्म करने के बाद मैं नीचे जाता हूँ, चलो अब खाना खा के अब मैं जाता हूँ कुछ अपना काम करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, जो मैं अभी ये वीडियो बनाने का मेरा जो काम है मैंने इसको जो अपना करियर बनाया हुआ है भूल जाओ, खाना खाता हूँ तभी मेरे को मम्मी का फिर से फोन आएगा, हाँ बेटा अब क्या कर रहा है, मम्मी जस्ट खाना खा के हटा हूँ, ऐसे कर तो दुकान पे आ जाए मेरे को थोड़ा सा काम है, तेरे पापा को रोटी बना के दे देती हूँ, ठीक है मैं रोटी खा के दुकान पे पहुंचूंगा, मम्मी हो जाएगी वहां से फुर, मम्मी के फुर फुर आने के बाद मैं सोचता हूँ चले यार अब तो दुकान पे पहुंच गया अब आराम से वहां पे वीडियो बना दो कोई बात नहीं, तभी वहां पे कोई लोम्बड़ जैसा बुद्धि का बंदा व्रूम व्रूम करके बाइक निकाल के लेके जाएगा, ठीक है मैं वीडियो फिर रोक देता हूँ कि ठीक है चल अभी पास हो गया मैं वीडियो बना लेता हूँ फिर क्या हो गया, पर नहीं तभी जब भी मैं अपना माइक ऑन करता हूँ ये वीडियो ऑन करता हूँ बनाने के लिए तभी एक बंदा आएगा स्पीकर बड़े बड़े लगा के भें भें करके मेरी वीडियो फिर खराब कर देगा, फिर मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है यार कितना ही बजा लेगा चला ही जाएगा, इसके बाद वो जाने के बाद फिर क्या होता है कि पड़ोस की कोई ना कोई किसी दुकान का शटर जाएगा टूट, और हमारे घर में कोई अगर एक लोहे की कोई क्रेलिंग टूट जाए या दरवाजे को कुछ नुक्स हो जाए एक हफ्ते तक बंदे आते नहीं है रिपेयर करने के लिए, इन शटर वालों को पता नहीं कैसे ऑन द स्पॉट बंदे वहां पे अपना कटर चालू करने आ जाते हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ कटर चालू हो गया, आवाज मेरी नहीं आ रही कटर की ज्यादा रिकॉर्ड बीच में हो रही है, ठीक है उसके बाद मैं सोचता हूँ कि यार ठीक है आधा घंटा तो अब इसने कटर भी नहीं चलाया मैं अब अपना वीडियो बना लेता हूँ, अब तो मेरे पास वक्त है ही है बना लेते हैं ना कर लेते हैं काम अपना, जैसे चला चालू करूंगा कि हाँ मेरी लाइन क्या थी, लाइन जब याद करो तो इनका आएगा पीछे से हथौड़ा ठक ठक ठक, तो मेरा वीडियो भी ठक ठक ही हो जाएगा बीच में आके, ना मेरे डायलॉग सुनेंगे ना कुछ होगा, मैं अपना काम करूँ कब, फिर वहां पे शाम को फिर मम्मी आएंगी मेरे पास कि अरे बेटा मैं थोड़ा सा लेट हो गई, ठीक है मैं घर में सोचता हूँ कि जाके अब आराम से वीडियो बनाता हूँ लाइन्स को याद करता हूँ, तभी मम्मी बोलेंगे देख अब 6 बज चुका है, 6 तो हाँ 6 तो बज चुकी है तू जाके अब दूध ले आ, दूध तो लेके जाना ही पड़ेगा घर पे क्योंकि जो दूध हमको देता है वो तो भाई उसको अलग ही एटीट्यूड है कि भाई 6 बजे के बाद आप लेट आए हमको आपको दूध नहीं मिल सकता अब आपको पैकेट वाला खरीदना पड़ेगा, इनके अलग ही एटीट्यूड है भाई पैसे दे के हम सामान लेने उनका एटीट्यूड उनको थैले में लेके जाना पड़ता है घर में कि अरे ये एटीट्यूड वाला दूध है इसको गर्म कर लो पहले ये भी उबल ना जाए पहले, इतना एटीट्यूड भाई दुनिया में ऐसा आ चुका कि मैं अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहा हूं, मेरा करियर है कि मैं भूल चुका हूं समझ रहे हैं आप, फिर मैं घर में आता हूँ दूध को गर्म करता हूँ उबालता हूँ फिर अपना काम करता हूँ सोचता हूँ अब ऊपर जाता हूँ ऊपर जाके आराम से वीडियो बनाता हूँ लाइन्स याद करता हूँ, फिर मेरी मम्मी का फिर से कॉल आएगा हाँ बेटा अब क्या कर रहा है, मम्मी जस्ट दूध गर्म करके हटाऊ, हाँ हाँ तो ऐसा कर तेरे पास अगर 10 मिनट होंगे तो सब्जी बना दे, सब्जी मैं बनाऊंगा क्योंकि मेरी दादी जो हमारे घर में है उनको होते हैं लतों में प्रॉब्लम, उनको अगर मैंने क्या जब मैं मुंबई से आया था 2020 में सितंबर में जाके पहुंचा था यहाँ पे घर पे तब तो मेरे को लगा कि ठीक है यार सर्दियाँ हैं तो दादी मेरी बोलती थी कि मैं दूध लेने नहीं जा सकती मेरे को यार सर्दी में प्रॉब्लम होती मेरे को सांस की प्रॉब्लम होती है सर्दियाँ हैं क्योंकि मैं चल नहीं सकती इतना, ठीक है मैंने सारी सर्दियाँ निपटा दी मैंने कहा चलो ठीक है यार दादी अब है कह रही है अब उम्र हो चुकी है उनकी तो मैं चला जाता हूँ दूध लेने के लिए, अब दूध भी लेने की मैंने जिम्मेवारी ले ली, गर्मियाँ आई मैंने दादी को बोला दादी दूध लेने आप ही चले जाओ मैं अपना काम कर लेता हूँ, मैं ऐसे ना भार नहीं उठाया जाता मेरी बाजू में दर्द बहुत है, अरे बहुत है दर्द, जब किसी के घर से सत्संग का या कीर्तन का जब न्योता आता है तो आप सैंडल पहन के ठक ठक करके उनके घर में चिमटे बजाने पहुंच जाती हो, तो मेरे को मेरा काम होता तब आपकी टांगे नहीं चल रही हैं बाजू भार नहीं उठा पा रही हैं आप दूध नहीं लेके आ पा रही हैं कुछ कर ही नहीं पा रही हैं आप, मतलब सब्जी भी मैं ही बनाऊं खाना भी मैं ही बनाऊं तुमको खिला भी मैं ही दूं क्या हगवा भी मैं ही दूं क्या गोदी में उठा के कि मेरा बच्चा पाद मार थोड़ा सा यही बचा है क्या मेरे पास करवाने के लिए, मैं अपना काम ना करूं क्या, अब 22-25 दिन हो चुके मैंने वीडियो नहीं बना पा रहा हूं ढंग से ये वो भी फ्रस्ट्रेशन बना रहा हूं कि आप लोगों को बता रहा हूं ये मेरा फुल डे है ये मेरा पूरा दिन है जो मैं पूरा दिन ऐसे निपटाता हूं इस चीज में,
ऊपर से जब मैं फिर अपने कमरे में आता हूँ कि ठीक है मैं वीडियो बनाता हूँ, लाइंस बनाता हूँ, सब्जी वब्जी बनाने के बाद फिर मम्मी का फिर से कॉल आएगा, बेटा अब सब्जी बन चुकी है, मैं भी दुकान से आ चुकी हूँ, रोटियां तो बन चुकी हैं, आ गया तू खा ले, फिर तो अपना काम करते रहे। 10 बज जाएंगे वो सब काम करने में, फिर जब मैं 10 बजे बैठूंगा काम करने के लिए, तब मेरे फ्रेंड का फोन आएगा, केरनी भाई कैसे हैं आप, ठीक है गेम में आ जाओ, 2 गेम लगा लेते हैं। उनके 2 गेम मेरे 1:30 बजे तक हो जाते हैं। 1:30 बजे जब मैं वहां से निकलता हूँ फिर मेरे को आ जाती है नींद। मैं सो जाता हूँ फिर उसके बाद। अब 1:30 बजे रात में मैं ऐसे थोड़ी ना माइक ऑन करके पूरे ऐसे वीडियो बनाऊंगा, भी इतने खुले घर बंद घर में आवाज था कि सबको गूंजे, सबको लगे कि हमारा बेटा के वहां क्या काम कर रहा है, इतना डेडिकेशन है इसके अंदर। डेडिकेशन नहीं है, पागल कुत्ते ने काटा जो मैं इतनी रात को वीडियो बनाऊंगा, क्या मैं पागल हूँ क्या, पूरा दिन मेरा आप लोगों ने वेस्ट कर दिया। अभी तो मैंने पापा को पूरा बताया नहीं, पापा भी बीच में है कहीं ना कहीं, वो मैं कभी और बताऊंगा, क्योंकि आज मेरी फ्रस्ट्रेशन इतने में ही है, इतना ही सुन लो आप। मैं अभी मैं तो कभी कभी सोचता हूँ मैं व्लॉगिंग ही शुरू कर देता हूँ दिन की, मेरी जो रोज का जो चल रहा है ना स्यापा, फैमिली मैन तो मैं ही हूँ मेरे ख्याल से, घर के इनके सारे स्यापे निपटा के मैं काम तक नहीं कर पा रहा हूँ। अभी भी जब नीचे गया तो दादी मेरी बोली तो सुबह का कुछ खाया नहीं है, मैं क्या पहले मैंने 15 मिनट लेके पहले मैं वीडियो बना के आता हूँ यार, काम ही नहीं कर रहे, देना करियर पे फोकस नहीं कर रहे, देना फिर मेरे को कह रहे हैं कि घर में बैठ के सिर्फ खा रहे हैं बाप के पैसे। अबे काम नहीं करने दोगे, कुछ करने नहीं दोगे, कुछ बनाने नहीं दोगे तो बाप के पैसे भी खाएगा ना, तो बाहर पे जाके लोहा बेच कवाड़ बेच ऐसे पैसा लेके वो तो नहीं खाऊंगा ना मैं सामान बेच के। ये बनाया था बैकग्राउंड, बनाया था कि यूट्यूब का काम करूंगा, मेरे पीसी बैठ गया, एलईडी लगाया था, मैं यूट्यूब के शॉर्ट्स बनाने लग गया। दुख होता है यार हल्ले की जिंदगी में यार। खैर छोड़ो, मैं सोचता हूँ अगली बार ना मैं YouTube के व्लॉग्स बनाना शुरू करूँ, तो ताकि आप लोगों को पता चले पूरा दिन मेरा होता क्या है, वो भी सुबह से उठने से लेके मैं वीडियो व्लॉग बनाऊँ, वो भी ऑनेस्ट व्लॉग, ये दूसरों की तरह नहीं। मैंने आज गाड़ी ले ली है गाइज, मैंने आज टट्टी कर ली है गाइज, मेरे पाद निकल गए हैं गाइज, मेरे साइकिल का टायर फट गया है गाइज, हमने थार ले लिया गाइज, हमारे बच्चे हो गए हैं गाइज, वो सब नहीं, मैं रियलिटी बताऊंगा, रियलिटी होती क्या है एक्चुअली में। खैर कोई बात नहीं, आप लोग पहले ये वाला देखो, पसंद आया तो मेरे को बताना, अगर आगे जाके बनाऊंगा कुछ ना कुछ और अच्छा असलियत ही लेके आऊंगा मैं, जो अंदर की फ्रस्ट्रेशन है ना पसीने में जो अभी निकल गई है मेरे अंदर, नहाना पड़ेगा जाके अब। चलो खैर कोई बात नहीं है, बाय।